भरत एक महान राजा थे। वे दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। जब वे बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और तपस्या करने और परम ब्रह्म अवस्था प्राप्त करने के लिए एक जंगल में चले गए। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या करने के लिए वहीं रहने लगे। एक दिन जब वहां बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक हिरनी दौड़ रही है। शेर उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही हिरनी रास्ते में आई नदी पार करने के लिए कूदी, उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया और मारे डर के वहीं मर गई। राजा भरत ने हिरण के उस बच्चे को उठा लिया। उस दिन के बाद वे पूरे समय उस हिरण की देखभाल करने में लगे रहते, इतना कि वे अपनी तपस्या करना भूल गए और ब्रह्म के बजाय हिरण के बारे में ही सोचते रहते। मृत्यु के बाद वे अपने अगले जन्म में एक हिरण की योनि में पैदा हुए, क्योंकि मृत्यु के समय वे सिर्फ हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन फिर उससे अगले जन्म में उन्होंने फिर से एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। अपनी पूर्व तपस्या के कारण उन्हें सब कुछ याद आ गया। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी मोह माया में नहीं फंसेंगे और उन्होंने अपने मन को हर विचार से मुक्त कर लिया। लोग उन्हें लापरवाह समझते थे और अपने इसी व्यवहार के कारण उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। लोग उन्हें बेवकूफ कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वहां के राजा राहगण जड़ भरत के गांव के पास से यात्रा कर रहे थे। वे ब्रह्म और जीवन के सत्य के बारे में जानने के लिए ऋषि कपिल से मिलने के लिए जा रहे थे। उनकी पालकी का एक वाहक बीमार हो गया, इसलिए वे किसी दूसरे वाहक की तलाश में थे। उन्होंने जड़ भरत को देखा और चौथे वाहक के रूप में कार्य करने का आदेश दिया। जमीन पर छोटे छोटे कीड़ों को बचाने के लिए चलते समय जड़ भरत सावधानी से चलते थे। उनकी धीमी और असमान गति के कारण राजा परेशान हो गए और भरत को बहुत भला बुरा कहा। इस पर भरत ने उत्तर दिया कि हे राजा, आप जो कहते हैं वह मेरे शरीर पर लागू होता है, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है। जड़ भरत ने राजा राहुगण को आत्मा और शरीर के बारे में काफी बातें बताई। अब तो राजा को बड़ी शर्म आई। जिसे वे मूर्ख और नालायक समझ रहे थे, वह तो ब्रह्मज्ञानी है। राजा पालकी से नीचे आए और भरत से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं जीवन की इसी सच्चाई को जानने के लिए कपिल ऋषि से मिलने जा रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ब्रह्म ज्ञान का भंडार हैं, कृपया मुझे इस परम ज्ञान से अवगत कराएं। जड़ भरत ने राजा को आत्मा परमात्मा के बारे में सब कुछ बताया और राजा को भी उस परम ज्ञान की अनुभूति कराई। इस जन्म में भरत अपनी मृत्यु के बाद हमेशा के लिए दुनिया से मुक्त हो ब्रह्म में विलीन हो गए। हरिओम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।